9 काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत नेट 9 में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत नेट 9 में आज बात करेंगे हर एक मुद्दे की, जो मुद्दा काफी दिनों से चर्चा में तो है, लेकिन उस पर ज्यादा मीडिया वाले खर्चा नहीं करना चाहते। और जब भारत नेट 9 की टीम ने हर परत को खोलने की कोशिश की, जैसे चॉकलेट का रैपर खोला जाता है, ऐसे जब खोल कर रख दिया तो अंदर से जो चॉकलेट थी वो पिघली हुई थी। और ये जो पिघलन है, ये दरअसल पूरा जो सूडो सेकुलर गैंग, लिबरल गैंग और जो लॉबी है उसकी पिघलन है। इस पिघलन ने लगातार हम पर आरोप लगाया कि वी आर क्रिएटिंग इस्लामोफोबिया। ये आप जो फिल्म को, जो आप एंगल बाय एंगल जो आप स्टोरीज जो दिखा रहे हैं, वो इस्लामोफोबिया क्रिएट कर रही है। तो इस्लामोफोबिया दरअसल हमारी रिपोर्ट्स नहीं बल्कि क्या क्रिएट कर रहा है, इसको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज भारत नेट 9 का टॉपिक क्या है। भारत नेट 9 का आज टॉपिक है वो रोते बिलखते चिंतन करते परेशान होते नर्वस होते फ्यूचर को लेकर सोच विचार करते वो युवा, जिनके साथ सरकार की एक गलती ने उनके पूरे करियर को, उनके पूरे फ्यूचर को, उनकी समस्त चीजों को, उनके आने वाले भविष्य को, दर्शकों, चौपट कर दिया। उनके भविष्य की जिम्मेदारी जो सरकारी तंत्र की वजह से चौपट हुआ, उस चौपट होने वाले तंत्र पर सरकार जो कि पूरी तरह से पोपट है, वो आज क्या कुछ कह रही है, इस पर बात करेंगे। ये है कोर टॉपिक, मेन लीड स्टोरी यही है कि आज हम उन युवाओं पर बात करेंगे जो सरकार की एक गलती की वजह से जिनका आज और कल की तारीख में वेतन आना था। वेतन कौन सा उनका आना था, कि त्योहार पर मिलने वाला एक्स्ट्रा फंड आना था, लेकिन आज वो घर पर चिंतन कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और उनकी उस परेशानी को एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से मीडिया से कनेक्ट कर हम दिखाएंगे और बहुत जल्दी बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से सरकार की एक गलती इनके पूरे जीवन पर किस तरीके से एक बहुत बड़ा वायरस बनकर किस तरीके से कहर ढा रही है। और सरकार को साइलेंट नहीं हो सकते आप, बिल्कुल साइलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आप कार्यक्रम के जरिए शब्दों के प्रहार से अब जो शब्दों का जो वायलेंटनेस होगा उसको आपको जवाब देना, आपको जवाबदेही तय करनी होगी मिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब, जवाबदेही तय करनी होगी। शांति नहीं, जवाबदेही। और उससे पहले मेन लीड स्टोरी से जस्ट पहले कुछ लोग लगातार, जब कश्मीर फाइल को लेकर मैं बात कर रहा हूं, कश्मीर फाइल को लेकर जब बहुत सारी परतों को खोल रहा हूं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये क्या कर रहे हो, उससे तो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। मैंने एक बात हमेशा कही, ऑलवेज, कि जो साफ है, जो चीज स्ट्रेट है, जो चीज कट टू कट है, उसको दिखाने में कभी निसंदेह डरना नहीं है, कभी डरना नहीं है। जर्नलिज्म अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, एंटरटेनिंग पॉलिटिक्स, कवरिंग जस्ट ब्रेकिंग न्यूज, कवरिंग पॉलिटिक्स, कवरिंग एंटरटेनमेंट स्टोरीज, शुड ऑल्सो स्टैंड फॉर सोशल इंटरेस्ट, सोशल इश्यूज। पत्रकारिता महज ये नहीं है कि आप राजनीति को कवर करते रहे, ब्रेकिंग न्यूज उठाकर उधर का उधर करते रहे, एंटरटेनमेंट की स्टोरीज को कवर करते रहे, बल्कि पत्रकारिता ये है कि आप सामाजिक मुद्दों पर भी बात करें। और अगर एक वक्त पर ऐसी घटना घटी जिसने कई लोगों के जीवन को खत्म किया, तो उसको दिखाना हमारा काम है। और जल्द हम बात करेंगे उस युवती से, उस बेटी से, उस बहन से, जो सरकार की एक गलती की वजह से आज सब कुछ खोने पर मजबूर है। और वो आज अपना दुख बताएगी, पूरी स्टोरी बताएगी। और सीएम साहब, आपको भी इस पर भूलना होगा। लेकिन उससे पहले, जो इस्लामोफोबिया को लेकर बात कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया क्रिएट कर रहे हैं आप अपने शो पे, इस्लामोफोबिया क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए जवाब है, इस्लामोफोबिया सर मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं, इस्लामोफोबिया कौन क्रिएट कर रहा है, तो कुछ नाम आपको बताऊंगा। नाम स्टार्ट्स अल शबाब अफ्रीका, अल मुराबितीन अफ्रीका, अलकायदा अफगानिस्तान, अलकायदा इस्लामिक मगरेब, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलकायदा अरेबियन पेनिनसुला, हमास पैलेस्टीन, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद पैलेस्टीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, जज़्बुल्लाह लेबनान, अंसार अल शरिया बेगनाजी लेबनान,
अस्बात अल अंसार, लेबनान, आईएसआईएस इराक, आईएसआईएस सीरिया, आईएसआईएस आईएसआईएस लीबिया, आईएसआईएस यमन, आईएसआईएस अल्जीरिया, आईएसआईएस फिलीपींस, जुंदल शाम अफगानिस्तान, मोराबिटीन लेबनान, अल अब्दुल्ला अजम ब्रिगेड्स लेबनान, अल इत्तेहादीद अल इस्लामिया सोमालिया, अल हरामान फाउंडेशन सऊदी अरेबिया, अंसार अल शरिया मोरक्को, मोरक्कन मुदाजदानीन मोरक्को, सलाफिया जिहादिया मोरक्को, बोको हराम अफ्रीका, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद यूनियन उज्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद यूनियन जर्मनी, DRW ट्रू रिलीजन जर्मनी, फजार नुसंतारा मूवमेंट जर्मनी, DIK हिल्दशीम जर्मनी, जैशे मोहम्मद कश्मीर, जैशे अल मुजाहिरीन वल अंसार सीरिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन सीरिया, जमात अल दवा अल कुरान अफगानिस्तान, जुंदाल्लाह ईरान, कुद्स फोर्स ईरान, कतायब हिजबुल्लाह इराक, अल इत्तेहादीद अल इस्लामिया सोमालिया, इजिप्टिन इस्लामिक जिहाद इजिप्ट, सुंदल शाम जॉर्डन, फजर नुसंतारा मूवमेंट ऑस्ट्रेलिया, सोसाइटी ऑफ द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज, टेरर फंडिंग वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में तालिबान अफगानिस्तान, तालिबान पाकिस्तान, तहरीक के तालिबान पाकिस्तान, आर्मी ऑफ इस्लाम सीरिया, इस्लामिक मूवमेंट इसराइल, अंसर अल शरिया टूनिसिया, मुजाहिदीन शुरुआ, काउंसिल इन द एनवायरमेंट्स ऑफ जेरूसलेम, लिबियन इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप लिबिया, मूवमेंट फॉर वेनिस एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद फिलिस्तीन तवीद सलीम, अल कुद्स आर्मी मोरक्को, इस्लामिक कॉम्बेटेंट ग्रुप मोरक्को, कॉकस इमारेट्स रशिया, दुख्तरान मिलाद फेमिनिस्ट इस्लामिस्ट इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन इंडिया, जमात उल मुजाहिदीन इंडिया, अंसर अल इस्लाम इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, हरकत मुजाहिदीन इंडिया, हिजबुल मुजाहिदीन और मंदीन इंडिया, लश्कर इस्लाम इंडिया, जुंद अल खिलाफा अल्जीरिया, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद इजिप्ट, ग्रेट ईस्टर्न इस्लामिक रेडर्स फ्रंट टर्की, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी पाकिस्तान, तहरीक नब्ज शरियत मोहम्मदी पाकिस्तान, लश्कर तोयबा पाकिस्तान, लश्कर जांगवी पाकिस्तान, अहले सुन्ना वल जमात पाकिस्तान, जमात उल एहरार पाकिस्तान, हरकत उल मुजाहिदीन पाकिस्तान, जमात उल फुरकान पाकिस्तान, हरकत उल मुजाहिदीन सीरिया, अंसार उल दीन फ्रंट सीरिया, जबहात फतेह अल शाम सीरिया, जमा अशरोत दौला सीरिया, नौर अल दिन एल जंकी मूवमेंट सीरिया, लिवाल हक सीरिया, अल तौदीद ब्रिगेड सीरिया, जुंद अल अक्सा सीरिया, अल तौदीद ब्रिगेड सीरिया, यरमुक मार्टियर्स ब्रिगेड सीरिया, खालिद इब्न अल वलीद आर्मी सीरिया, हिजबे इस्लामी गुलबुद्दीन अफगानिस्तान, जमात उल एहरार अफगानिस्तान, हिजबुत तहरीर वर्ल्ड वाइड, हिजबुल मुजाहिदीन इंडिया, अंसर अल्लाह यमन, होली लैंड फाउंडेशन फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट USA, जमात मुजाहिदीन इंडिया, जमा असरत तोहुद्दीन इंडोनेशिया, हिजबुत तहरीर इंडोनेशिया, फजार नुसंतारा मूवमेंट इंडोनेशिया, जमह इस्लामिया इंडोनेशिया, जमह इस्लामिया फिलीपींस, जमह इस्लामिया सिंगापुर, जमह इस्लामिया थाईलैंड, जमह इस्लामिया मलेशिया, अंसार डीने अफ्रीका, उस्बात अल अंसार फिलिस्तीन, हिजबुल तहरीर ग्रुप कनेक्टिंग इस्लामिक कैलिफेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इनटू वन इस्लामिक कैलिफेट, आर्मी फॉर द मैन ऑफ नशबंदी इराक ऑर्डर, अल नुश्र फ्रंट सीरिया, अल बदर पाकिस्तान, इस्लाम फॉर यूके, अल गुरबा यूके, कॉल टू सबमिशन यूके, इस्लामिक पाथ यूके, लंदन स्कूल ऑफ शरिया यूके, मुस्लिम्स अगेंस्ट क्रूसेड्स यूके, नीड फॉर खिलाफा यूके, द शरिया प्रोजेक्ट यूके, द इस्लामिक दावा एसोसिएशन यूके, द सेवियर सेक्ट यूके, जमात उल फुरकान यूके, मिंबर अंसर दिन यूके, अल मजहरदीन मेंबर्स ली रिग्बी लंदन 2017 यूके, इस्लामिक काउंसिल ऑफ ब्रिटेन यूके, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ऑफिशियल मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, उससे अलग है ये, अहलू सुन्ना वल जमा यूके, अल गमाज इजिप्ट और अल इस्लामिया इजिप्ट, अरे इसकी चिंता मत करिए, चलने दीजिए ग्राफिक्स कुछ भी चलने दीजिए, इसकी चिंता मत करिए, आर्म्ड इस्लामिक मैन अल्जीरिया, सलाफिस्ट ग्रुप फॉर कॉल एंड कॉम्बेट अल्जीरिया, अंसारू अल्जीरिया, अंसार अल शरिया लिबिया, अल इत्तेहादीद अल इस्लामिया सोमालिया, अंसार अल शरिया टूनिसिया, शबाब अफ्रीका, अल अक्सा फाउंडेशन जर्मनी, अल अक्सा मार्टियर्स ब्रिगेड फिलिस्तीन, अबू सवाइवेफ फिलीपींस, एडन अभियान इस्लामिक आर्मी यमन, अजनान इजिप्ट, अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन, जमा उसरुत तोहिदीन इंडोनेशिया। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सारी ऑर्गेनाइजेशन, आज काविंद्र क्या कर रहा है,
क्या कर रहा है, आज एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या बोले जा रहे हैं। दर्शकों, जो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, जो हम पर आरोप लगाते हैं कि यू आर क्रिएटिंग इस्लामोफोबिया, यू आर क्रिएटिंग रकस, यू आर क्रिएटिंग कैओस, आप कर रहे हो ये सब, तो आज मैं बता दूं जितने नाम मैंने लिए हैं ये 143 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मैंने लिए हैं, 143 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मैंने लिए हैं। अब सोच लीजिए आप कि इस्लामोफोबिया मैं फैला रहा हूं या फिर ये कौन फैला रहा है। अब आप सोच लीजिए। तो ये उन लोगों के लिए जवाब था जो लगातार इस तरीके का कमेंट कर रहे थे, लगातार हमको मैसेज और मेल कर रहे हैं कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। तो उनके लिए ये मैसेज था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। अब टॉपिक पर आऊंगा, लीड स्टोरी पर आऊंगा। तो लीड स्टोरी दरअसल ये है कि रीट लेवल 2, रीट लेवल 1, ना तो रीट लेवल 1 ढंग से करवा सके और ना रीट लेवल 2 ढंग से करवा सके, ना 1 बढ़िया ना 2 बढ़िया, कुछ नहीं करवा पाए। और गलती किसकी? गलती गवर्नमेंट की। और सजा किसको? सजा युवाओं को। और अगर बहुत बहुत बढ़िया बताते हैं, अगर इसका डायरेक्ट कट टू कट, अगर कोई बच्चा अगर घर में 5 रुपए का सिक्का गलत जगह से उठा लेता था तो माँ बाप उसको डांटते थे, मारते थे, लेकिन गलती थी, बच्चा सीख रहा है कुछ गलत चीज। लेकिन यहां देखिए, गलती किसकी है भाई? गलती गवर्नमेंट की है, सरकार की। सरकार एग्जाम सही से नहीं करा पाई। और पनिशमेंट किसको है? सजा किसको? सजा मिल रही है प्रिया राठौर जी। कौन है प्रिया राठौर? स्क्रीन पर लीजिए सर प्लीज सीधे। तो प्रिया राठौर जी को सजा मिल रही है। प्रिया राठौर जैसे हजारों लोग हैं जिनको सजा मिल रही है। ये जो आपका स्क्रीन पर दिख रहे हैं मेरे साथ, ये प्रिया राठौर जी है। तो ऐसे प्रिया राठौर जी जैसे हजारों लोग हैं जिनको सजा मिल रही है, और सजा मिल रही है, और सजा जिनको नहीं मिल रही है वो ये है कि जिनको एसओजी ने ताकत लगाकर फुल फोर्स के साथ दिन रात मेहनत पसीना बहाकर जिन लोगों को गिरफ्तार करने का दम्भ भरा, और पूरी माइक के साथ इसको दिखाया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि देखिए भाई अरेस्ट हो रहे हैं, उन सबको जमानत मिल गई है सर। प्रिया जी स्क्रीन पर रहिए, प्रिया जी आप दिख रही है मुझे स्क्रीन पर रहिए। तो प्रिया जी सीधे मैं आप पर आऊंगा। सबसे पहले ये बताइए, मैं आपका भाई हूं काविंद्र, मेरा नाम है काविंद्र चौहान। प्रिया जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे जैसे जिन जिन लोगों पर सरकार ने कहा कि इन इन लोगों ने पर्चा आउट किया, पेपर लीक किया, ये किया वो किया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उन सबको तो जमानत मिल गई, आप क्या सोच रही हैं प्रिया जी? देखो, 5 महीने में 44 गिरफ्तारियां हुई है, हालांकि 5 महीने काफी होते हैं 300 लोगों को पकड़ने के लिए। अगर सरकार का आंकड़ा है कि 300 लोग इसमें शामिल है, तो 5 महीने तो काफी होते हैं। अगर 5 महीने में 44 पकड़ रही है तो एसओजी को तो 5-4 साल लग जाएंगे 300 लोगों को पकड़ने में, और उनको भी 1 महीना 2 महीने हुए होंगे भजन लाल शायद पकड़े हुए, और उनको जमानत भी मिल गई, सजा कौन भुगत रहा है? आज का युवा जो 16,500 को नुक्तियां मिलनी थी वो सजा भुगत रहा है, और जिनकी तो गलती भी नहीं, 26 सितंबर एग्जाम हुई थी तो सिर्फ एक दिन एग्जाम नहीं हुई थी ये, इसके लिए कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी थी भाई और बहनों को। कईयों को कितनी परेशानी आती है तैयारी करने में, घर को संभालने में, एडजस्ट करने में, सबको मनाने में कि हमें तैयारी करनी है, अगली भर्ती में हमारा नंबर आएगा। जो खुद को विश्वास नहीं होता वो हमें फैमिली को विश्वास दिलाना पड़ता है, और सरकार क्या करती है, गंदी राजनीति खेलती है, विपक्ष दबाव बनाती है। विपक्ष ने कितने दिन दबाव बनाया? 5-7 दिन, उसमें सरकार दबाव में आ गई। जो फेलियर थे उन्होंने इसका विरोध भी किया सरकार के फैसले का, और तो उन्होंने दबाव में आ गई। 5-7 दिन की बात थी वो, और हमने कितने साल मेहनत की? 3 या 4 साल मेहनत। सरकार को वो नहीं दिखी, सरकार ने सिर्फ एक तरफा फैसला लिया है, अपनी सरकार को बचाइए, अपनी सत्ता को बचाइए और उनकी सुनिए, हमारा कोई जिक्र नहीं था हमारे लिए सरकार क्या करेगी। तो इस सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, अन्याय किया है, और सरकार को ये रील लेवल 2 बहाल करनी चाहिए। बिल्कुल प्रिया जी, देखिए मैं सबसे पहले तो मेरे को तो बहुत बहुत ज्यादा ये बकवास लगती है बात कि जब सरकार कहती है कि तो दबाव में, सरकार के लोग बहुत दबी जुबान से धीरे से कह देते हैं आप लोगों से मिलके कि ये तो दबाव में किया है हमने, ये तो दरअसल विपक्ष वाले इतना दबाव बना रहे थे कि ऐसा करना पड़ा। विपक्ष वाले तो लगातार दबाव बनाते हैं प्रिया जी की, कुर्सी छोड़ दीजिए कुर्सी, हमको सीएम बनना। सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाया था ना, क्यों नहीं हुई फिर? सीबीआई जांच के लिए दबाव बनाया था
और विपक्ष भी अपनी राजनीति चमका रहा था। विपक्ष को लग रहा था सीबीआई जांच का दबाव बनाएंगे, इनके लोग कुछ शामिल होंगे वो निकल जाएंगे और फिर इसको करके टॉपल करेंगे गवर्नमेंट को। ये अलग चीज है, ये अलग मसला है, इसको बात करेंगे और कल हम इसमें जोड़ेंगे भी, कल हम इसमें बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दोनों स्पोक्स पर्सन को जोड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जवाब देंगे। किलोड़ी ने 140 के आंकड़े बता दिए, खूब हम पर भी लगा है, मैं भी 140 स्कोर वाली हूँ, तो सब हम पर हंस रहे हैं कि आप भी 140 है तो आप भी चोर है, तो सरकार ने अपना कलंक धोया है, हम पर कलंक लगाया जो हम निर्दोष है। बिल्कुल। और एक और चीज है, एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा आपसे प्रिया जी, कि बहुत लंबा समय होता है और एक लड़की होने के नाते एक संघर्ष भी होता है कि घर वालों को मनाना, तमाम तैयारियां करनी, जीवन भी देखना और आगे भविष्य की जो भी आपने सोचा है, पास होने के बाद खुशियां मिली, लेकिन उसके बाद सरकार की जो गलती थी वो सरकार ने आप लोगों के ऊपर थोप दी। और सरकार के किसी भी व्यक्ति से, अगर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति से, जो कि पार्टी से, कांग्रेस से बिलोंग करता हो, किसी से भी आपकी बातचीत हुई? चलिए ठीक है, शायद प्रिया जी नहीं है और मनीष धुरिया साहब भी होंगे स्क्रीन पर, मनीष धुरिया साहब को भी लेने की कोशिश करेंगे। मनीष धुरिया साहब स्क्रीन पर होंगे, मनीष धुरिया साहब को लेने की कोशिश करेंगे। और अभी हम प्रिया जी से बात कर रहे थे, तो प्रिया जी से बात कर रहे थे लेकिन प्रिया जी का कनेक्शन जो है वो दरअसल कट गया है। और असाइनमेंट से कहेंगे कि मनीष जी को ऐड करिए, मनीष जी को ऐड करिए, असाइनमेंट से कहेंगे मनीष जी को ऐड करिए, वो बार बार ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, मनीष जी को ऐड करिए, तो मनीष जी को ऐड करेंगे और मनीष जी से बातचीत करेंगे। और हमारे साथ प्रिया जी जुड़ी थी, प्रिया जी लगातार बता रही थी कि किस तरीके से एक लड़की लंबी लड़ाई लड़ती है, किस तरीके से एक बेटी को घर में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, किस तरीके से परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है और उसके बाद मिलता क्या है, उसके बाद ये सब कुछ मिलता है। तो युवाओं का भविष्य आखिर क्या है, और नौकरी को लेकर लगातार कुछ लोग हमारी भी परीक्षा ले रहे हैं, कुछ लोग भारत नेट 9 की भी परीक्षा ले रहे हैं, वो भी मेरे पेशेंस को जज कर रहे हैं कि आखिर कब तक चलाओगे, कब तक चलाओगे। जो मेरा पेशेंस जज कर रहे हैं, मैं भी उनका पेशेंस जज कर रहा हूं कि कब तक नहीं मानोगे आप, कब तक नहीं मानोगे आप, और जब तक नहीं मानोगे आप, मैं अपने कार्यक्रम भी करता रहूंगा, अलग अलग स्टोरीज पर भी काम करता रहूंगा, लेकिन अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ूंगा लगातार। और आप इसको समझ लीजिए कि कौन सा नैरेटिव आप सेट करवा रहे हैं, ये कितना आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। आई एम टॉकिंग टू यू डियर मिस्टर सर गहलोत जी, कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि युवा एक साथ आ रहा है और ये रुकने वाले नहीं है। आप किसी भी आप शंका में मत रहिए कि ये युवा रुक जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, ये रुकने वाले नहीं है, ये ठहरने वाले नहीं है, ये लगातार अपनी बात को रखते रहेंगे, लगातार अपनी बात को बोलते रहेंगे, लगातार। रीड के मसलों को लेकर जैसे मैं बता रहा हूं कि लेवल टू को लेकर लगातार युवा कह रहे हैं भाई व्हाट आर यू डूइंग, कब इसको रद्द करिए भाई, ये जो आपने रद्द किया है इसको रद्द करिए, ये जो आपने भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है इसको रद्द करिए, भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से सुचारू करिए। उनको कैसे सिस्टमैटिकली हम न्याय दिला सकते, सिस्टम के साथ हम न्याय दिला सकते, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर काम करना जरूरी है और जिस पर जल्द से जल्द सरकारों को चाहिए कि वो काम करें, सरकारों को चाहिए कि वो ध्यान दें। भारत नेट 9 में आज के लिए इतना ही, कल एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। देखिए भारत नेट 9 का आनंद चौहान के साथ।